अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहबाब हिदायत उन्नो के असबाब के साथ मैं हूँ अहमद अकील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यजब तक़दीम अल फाइल अल मफ़ऊल इज़ा काना मक़सूरैन व ख़िफ़्ता लब्सा नहु ज़रब मूसा ईसा। व यजूज़ तक़दीम अल मफ़ऊल अल फाइल इन लम तख़फ़ लब्सा नहु अकल अल कुम मसरा यहया وضرب زيد وضرب عمرو وضرب عمرا زيد ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينه نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال اقام زيد وقد يحذف الفاعل ويقوم ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات। और फ़ाइल को फ़ैल मफ़ऊल पर मुकद्दम करना वाजिब है जब दोनों इसमें मकसूर हों और तुझे इल्तिबास का खौफ हो, जैसे ज़रब मूसा ईसा। और मफ़ऊल को फ़ाइल पर मुकद्दम करना जायज़ है अगर इल्तिबास का खौफ ना हो, अगर तुझे इल्तिबास का खौफ ना हो, जैसे अकल अलकुम मसरा यहया और ज़रब ज़ैद ज़रब अमरन ज़ैदन। और फ़ैल को हज़फ़ करना जायज़ है जहाँ कोई करीना हो, जैसे ज़ैदन उस शख्स के जवाब में जो कहे मन ज़रबा। और इसी तरह फ़ैल और फ़ाइल का इकट्ठे हज़फ़ करना भी जायज़ है, जैसे नाम उस शख्स के जवाब में जो कहे अकाम ज़ैदन। और कभी कभी फ़ाइल को हज़फ़ किया जाता है और मफ़ऊल को उसके कायम मकाम किया जाता है जब फ़ैल मजहूल हो, यह ज़ुरब ज़ैदुन। और यही दूसरी किस्म है मरफूआत की। अहबाब, इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा आपको फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुकद्दम करने का कवायद बयान करेंगे और फ़ैल को हज़फ़ करना जायज़ है या फ़ाइल को हज़फ़ करना जायज़ है, ये दोनों को इकट्ठे हज़फ़ कर सकते हैं या नहीं, तो उनका क्या तरीक़ाकार है, ये सारी बातें आपको इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ समझाएंगे। तो पहली बात ये है कि मफ़ऊल को फ़ाइल पर मुकद्दम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी मफ़ऊल बी को हम पहले ले आएँ, फ़ाइल को बाद में ले आएँ। तो हमारी याद रखें, वैसे तो जो है इसमें कोई हरज नहीं है कि हम मफ़ऊल बी को पहले ज़िक्र करें, फ़ाइल को बाद में ले आएँ, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा मतलब इल्तिबास आ जाता है, इश्तबाह आ जाता है कि फ़ाइल और मफ़ऊल बी के पहचानने में। तो इसलिए ऐसे मकामात पर जो है फिर आप फ़ाइल को मुकद्दम करना ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है, ताकि जो है फ़ाइल और मफ़ऊल बी की पहचान हो सके। मसलन वो कौन से मकाम हैं? मसलन मकाम है कि फ़ाइल और मफ़ऊल बी दोनों इसमें मकसूर हों। जब दोनों इसमें मकसूर होंगे तो आपने पीछे पढ़ा सबक के अंदर के इसमें मकसूर का एराब तकदीरी होता है, तो उन पर कोई एराब ज़ाहिर नहीं होगा, और उन पर एराब ज़ाहिर नहीं होगा तो फिर वहाँ फ़ाइल और मफ़ऊल बी का पता नहीं चलता कि फ़ाइल कौन सा है, मफ़ऊल बी कौन सा है। तो फिर उस सूरत में जो है इल्तिबास आता है कि हो सकता है फ़ाइल ये हो सकता है भाई दूसरा हो। तो इस सूरत को इस इल्तिबास से बचाने के लिए मुसन्निफ़ ने कायदा बयान कर दिया कि भाई इस तरह का इल्तिबास का खौफ हो तो फिर उस सूरत में फ़ाइल को मुकद्दम करना वाजिब है और मफ़ऊल बी को मुअख्खर करना वाजिब है। यानी इस सूरत के अंदर जो पहले होगा वो फ़ाइल होगा और जो बाद में होगा वो मफ़ऊल बी होगा। मसलन देखें, ज़रब मूसा ईसा। अब मूसा भी इसमें मकसूर है, एराब तकदीरी है, और ईसा भी इसमें मकसूर है, एराब इसका तकदीरी है, ठीक है, एराब लफ्ज़ में नहीं है। तो अब हम जो है खामखा जो है पहले को जो है वो फ़ाइल बनाएंगे और दूसरे को जो हम फ़ाइल नहीं बना सकते, ठीक है, इल्तिबास का खौफ होता है। ज़रब मूसा ईसा, मूसा ने ईसा को मारा, ठीक है, मूसा ने ईसा को मारा। हाँ, तो अब यहाँ जो पहला होगा उसी को हम फ़ाइल करा देंगे। अगर इस तरह नहीं करते हम तो फिर उस वक्त पता नहीं चलता कि ज़रब मूसा ईसा के इस उलट हो सकता है, माना कि हम कर लें कि ज़रब मूसा ईसा, ईसा ने मूसा को मारा, तो फिर इसमें पता नहीं चलता कि फ़ाइल ईसा है कि मूसा है और मफ़ऊल मूसा है कि ईसा है, पता नहीं चलता। तो इस इख्तलाफ, इस इश्तबा से
इस इल्तिबास से बचाने के लिए मुसन्निफ़ ने कायदा बयान कर दिया कि भाई जो पहला होगा ना वो फ़ाइल होगा, जो दूसरा होगा वो मफ़ूल होगा। ज़रब मूसा ईसा में मूसा फ़ाइल है और ईसा इसका मफ़ूल भी है, ठीक है। ईसा ने मार खाई है और जैद ने मूसा ने मारा है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर इल्तिबास और इश्तबा का खौफ ना हो, इल्तिबास और इश्तबा का खौफ ना हो और मफूल फ़ाइल और मफूल के आपस में गड़बड़ होने का, तो फिर उस वक्त जो है कर सकते हैं, मुकदम कर सकते हैं फाइल मफूल बी को फाइल पर। जैसे देखें मिसाल दिए मिसाल ने अकलल कुम मसरा यहया, अकलल कुम मसरा यहया, यहया ने अमरूद खाया, ठीक है, यहया ने अमरूद खाया। अब हर अकलमंद आदमी समझता है कि अमरूद यहया ही खा सकता है, अमरूद यहया को नहीं खा सकता, अमरूद तो कुछ चीज़ नहीं खा सकता, यहया ही खा सकता है, अमरूद तो एक बेजान चीज़ है। तो इस करीने की वजह से हमें पता चल गया कि जो है मफूल जो है वो कुम मसरा है, आगे दोनों इसमें मकसूर हैं, लेकिन करीना हमारे पास है, दलील हमारे पास है कि अमरूद तो कोई चीज़ नहीं खा सकता बल्कि अमरूद खाया जाता है। तो इस करीने की वजह से हमें समझ आई कि यहाँ पर मफूल जो है वो कुम मसरा है और यहया जो है इसका फ़ाइल है। तो लहदा चूँकि करीना है हमारे पास, तो इस वजह से हम जो है कर सकते हैं यहाँ पर मफूल को मुकदम कर सकते हैं फ़ाइल पर। अकलल कुम मसरा यहया, अकल फ़ैल कुम मसरा मफूल भी मुकदम और यहया फ़ाइल मौखर, ठीक है। तो ये बात हो गई फ़ाइल को फ़ाइल की तकदीम तखीर के बारे में। अच्छा आगे आया फ़ैल, फ़ाइल में से किसी को हज़फ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अब आप याद रखें कि जहाँ फ़ैल होगा ना वहाँ फ़ाइल ज़रूर होगा, फ़ाइल को हज़फ नहीं कर सकते, फ़ाइल को हम कभी भी हज़फ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये फ़ैल मजहूल की बात नहीं हो रही, फ़ैल मजहूल इससे मुस्तस्ना है, फ़ैल मजहूल के अंदर जो है वो बात आगे आ जाएगी। फ़ैल मजहूल के अलावा फ़ाइल जो है फ़ैल मालूम फ़ैल मारूफ के अंदर जो है आप फ़ैल ज़िक्र हो और फ़ाइल हज़्फ़ हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ ऐसा होगा, इसके उलट हो सकता है कि जो है हम फ़ाइल ज़िक्र करें और फ़ैल को हज़्फ़ कर दें, यह फ़ैल हज़्फ़ हो सकता है, फ़ाइल हज़्फ़ नहीं हो सकता। फ़ैल को ज़िक्र करें और फ़ाइल को हज़फ़ कर दें ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि फ़ाइल को ज़िक्र करें और फ़ैल को हज़फ़ कर दें ऐसा हो सकता है। हई सुकानत करीनतुन, जहाँ कोई करीना मौजूद हो, करीना कोई दलील कोई जो है इशारा आपको जो है मिल रहा हो। वैसे याद रखें करीना कहते हैं, ये आप याद भी रख लें अपने पास लिख लिख भी लें आपको काम आएगा। करीना कहते हैं अल करीनतु अम्रुन युशीरु इलल मतलूब, करीना ऐसा अमर ऐसी चीज़ होती है जो मतलूब की तरफ इशारा करती है, ठीक है, मतलूब का जो है पता बता देती है, खुद मतलूब होता नहीं है लेकिन उसका पता बता देती है, ठीक है, उसको करीना कहते हैं। तो कोई करीना कोई दलील मौजूद हो हमारे पास तो हम जो है उस सूरत में फ़ैल को हज़्फ़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैदुन, कोई आदमी आपसे कहता है मन ज़रबा, किसने मारा है, तो अब आप जो है बजाय इसके के पूरा जवाब दें ज़रा बज़ैदुन आप ऐसे कहें, तो इसके बजाय आप यूं भी कह सकते हैं, किसी ने सवाल किया मन ज़रबा तो आपने कह दिया ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, ठीक है, यानी ज़रा बज़ैदुन, ठीक है, फ़ैल को आपने यहाँ पर हज़फ़ कर दिया है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, इस तरह फ़ैल और फ़ाइल को यानी पूरे जुमले को भी इकट्ठा हज़फ़ कर देते हैं और जो है वो सारे को हज़फ़ कर देते हैं, उसके जवाब में जो है मसलन किसी आदमी ने कहा कि अकाम ज़ैदुन या अकल ज़ैदुन या अजलस ज़ैदुन, तो आप जवाब में कहें नाम, ठीक है। अब यहाँ से आपने फ़ैल को भी हज़फ़ कर दिया और फ़ाइल को भी हज़फ़ कर दिया, यानी जलस ज़ैदुन नाम जलस ज़ैदुन, तो जलस ज़ैदुन को आपने हज़फ़ करके सिर्फ नाम कह दिया, तो यहाँ फ़ाइल भी हज़फ़ हो गया और फ़ाइल भी इकट्ठे हज़फ़ हो गए। तो ये बात तो हो गई फ़ैल मारूफ की बात मुतालिक। अब मुसन्निफ़ जो है फ़ैल मजहूल की एक बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कभी कभी फ़ाइल को भी हज़फ़ किया जाता है और मफ़ूल को उसके कायम मकाम बना दिया जाता है, मफ़ूल को उसे कायम मकाम रखा जाता है और फ़ाइल को हज़फ़ करते हैं। इदा कानल फ़ैलु मजहूलन, जब फ़ैल मजहूल हो, जब फ़ैल मजहूल हो तो उस सूरत में जो है फ़िर
फेल मजहूल की सूरत में जो है हम फाइल को हज़फ करके मफूल को उसके कायम मकाम कर सकते हैं, और इसी को हम नायब फाइल कहते हैं या मफूल मालूम जो हम मफालू कहते हैं। जैसे ज़ोरे बज़ईदन, ठीक है, असल में था ज़रब अमरुन ज़ईदन, ठीक है, अमरुन को हज़फ किया और ज़ईदन को जो है ज़ईदन जो था उसके कायम मकाम करके जो है उसको हमने नायब फाइल बना दिया और ये मरफूआती किस्म में से ज़ोरे बा ज़ईदन हो गया। ठीक है, इसकी आगे तफसील कहते हैं। हौल कस्म उस्तानी मिनल मरफूआत, मरफूआत की ये दूसरी किस्म है और इसकी तफसील ये जो बहस हम पढ़ रहे हैं फाइल की, इसके बाद मफूल की बहस तफसीलन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा अहबाब, यहाँ एक तरकीब है, वायूज़ हज़्फ़ अल-फ़ैल हैसु कानत करीनतुन। मैंने इसको कानत करीनतुन पढ़ा है इसलिए कि अगरचे आपने पढ़ा है काना फ़ैल 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 नाक्सा है और ये इस्म को नस इस्म को रफ़ा और जो है ख़बर को नसब देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर जो है ये काना अफ़ाल नाक्सा में से नहीं है बल्कि ये काना अफ़ाल तामा में से है। ठीक है, और काना तामा जो होता है, काना तामा जो होता है ये सिर्फ़ अपनी जो है इस्म पर मुकम्मल हो जाता है, इसका माना भी मुकम्मल हो जाता है और इस सूरत में इसका जो है नासिबुल ख़बर होना ख़बर की ज़रूरत इसको होती नहीं है। ठीक है, तो हैसु कानत और जो है फिर इस सूरत में कानत सबता या जो है वजदा के माने में होता है। ठीक है, तो यहाँ माना होगा हैसु कानत करीनतुन, हैसु सबतत करीनतुन, जहाँ कोई करीना साबित हो, या हैसु वजदत करीनतुन, जहाँ कोई करीना मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ काना फ़ैल अज़फ़ार नाक्सा में से नहीं है बल्कि काना तामा में से है। तो बाकी सब वाज़े है और तफसील हो गई है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।